देखो ये देख रहे होंगे आप, मेरा हाथ पूरा पूरा हाथ डूब रहा है, देख सकते हैं आप। तो बर्फ भाई बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं पड़ी हुई, ये देख सकते हैं फुल बर्फबारी है भाई। और अब मैं आपको थोड़ा आगे, सो गाइस जो आप ये व्यू देख रहे हैं ये है शिवकुंड, अरे सामने त्रिशूल, मैंने अबे देखो शिवलिंग बना रखा, जय भोलेनाथ। क्या हाल है भाई, बढ़िया, जय भोले। कैसा भाई एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया लग रहा, बोले फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। देख सकते हैं भाई इनके ये डेड बॉडी है यहाँ पे। सो भाई जी ये भंडारे, और यहाँ पे देख सकते हैं शिवलिंग बर्फ के बने हुए बनाए हुए भाई लोगों ने, देख सकते हैं। उधर स्नान। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ अभी मणि महेश में, और आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं भाई, चारों तरफ बर्फबारी हो चुकी है इधर पे, ये देख सकते हैं। अभी सुबह के भाई 10 बज रहे हैं, और यहाँ पे सुबह 6 बजे से बर्फ लग रही थी, और अभी 10 बजे तक बर्फ लगी, अभी भी थोड़ा रुकी हुई है, और अभी दोबारा भी लग सकता है, देख सकते हैं, और धूप भी लग सकती है, कोई पता नहीं है भाई अभी वैसे मौसम बना हुआ। बाकी आप देख सकते हैं व्यू भाई मेरे पीछे का, पूरा बर्फ ही बर्फ, टेंट लगे हैं इधर पे, इनके ऊपर से अभी बर्फ हटाया गया है, ये देख सकते हैं पूरा नीचे, देख सकते हैं देखो पूरा नीचे भी बर्फ ही बर्फ है, और ये इधर भी बर्फ ही बर्फ है, देख सकते हैं भाई। बाकी जो मणि महेश कैलाश पर्वत है भाई, वो सामने जो आप देख पा रहे होंगे, ये जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ है। हाँ जी, हाँ जी ब्रदर, जय भोलेनाथ। ये भाई लोग इधर पे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है? हाँ जी, मौसम तो एक नंबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जय भोलेनाथ। बाकी ये देख सकते हैं भाई सामने, ये है कैलाश पर्वत, जहाँ पे बिल्कुल ये बादलों से पूरा ढका हुआ है, बर्फ से भी ढका हुआ है। आ जाओ माजी। भाई ये मेरा टेंट है भाई, और यहाँ पे सोया था मैं, ये बेड है, और अब आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। अब फाइनली यहाँ पे जो बर्फ है वो रुक चुकी है, ये देख सकते हैं भाई अब बाहर का व्यू, ये देखो बाहर पूरा भाई फिसलन हो रहा है, देखो कितनी खतरनाक बर्फ पड़ी हुई, जमी हुई पूरी, ये देख सकते हैं सामने अभी भाई कैलाश पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। अभी 10:15 हो रहे हैं, 6 बजे स्टार्ट हो गई थी बर्फ, और 10 बजे रुकी, अभी 4 घंटे तक बर्फबारी लगी है भाई यहाँ पे फुल। ये देखो इसके ऊपर देख सकते हैं आप कितनी कितनी ज्यादा बर्फ, ये देखो ये देख रहे होंगे आप, मेरा हाथ पूरा पूरा हाथ डूब रहा है, देख सकते हैं आप। तो बर्फ भाई बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं पड़ी हुई, ये देखो बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई, और यहाँ देखो आप, देख सकते हैं फुल बर्फबारी है भाई। और अब मैं आपको थोड़ा आगे से दिखाता हूँ इसका व्यू, हाय इधर देखो, इधर देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा बर्फ आ रही है, जो शिवकुंड है उधर है भाई, और मैं आपको लेके जा रहा हूँ अभी यहाँ से गौरीकुंड दिख रहा होगा शायद, देखो जो सामने आप मेरे देख पा रहे होंगे ये है कैलाश पर्वत, सामने आप देख पा रहे हैं। 1 सेकंड गाइस, मैं आपको एक टाइम बता देता हूँ, टाइम हो रहा अभी 10:15, और जो सामने आप देख पा रहे हैं ये सारा कैलाश पर्वत है, ये देख लूँगा कैलाश पर्वत में अभी तक बिल्कुल पूरे बादल बुदल छाए थे, अभी ये साफ दिख रहा है क्लियर, बर्फ भाई बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। देखो टेंट, जिस टेंट में हम सोए थे उसके ऊपर बर्फ दिखवा दी थी। तो अब लेके जाता हूँ आपको आगे शिवकुंड, शिवकुंड का व्यू दिखाता हूँ, मैंने दर्शन भी नहीं कर पाया था भाई सुबह से, उफ हवा भी तेज हो रही है, ठंड भी लग रही है, शिवकुंड में लेके जाता हूँ। देखो बंदे कहाँ जा रहे थे ऊपर, इनकी बात कर रहा हूँ ऊपर,
अभी तो पूरा भाई बाहर बर्फ ही बर्फ से, सामने कैलाश पर्वत है जो आप देख पा रहे होंगे। देखो देख सकते हैं आप बर्फ कितनी पड़ी हुई है। देखो ये सामने देखो, ये देखो, ये देख सकते हैं भाई आप फुल बर्फबारी है। और इधर पे गिरने का भी बहुत ज्यादा फिसलन हो रही, बर्फ के ऊपर चलते हैं तब नहीं गिरते। आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ एक बार यहाँ से। ये देखो ये है शिवकुंड यानी डल लेक। अभी दर्शन पूरे हो रहे हैं, अभी लोग बहुत ज्यादा, ये देखो जहाँ पे दर्शन करने जाते हैं इधर का व्यू आप देख सकते हैं। ओए इधर तो चला भी नहीं जाएगा। ये देख सकते हैं गाइस, ये देखो कैसे गोले गोले बने। ये देखो कितनी बर्फ है, मेरा जूता पूरा ही छिप गया कहीं। फुल बर्फबारी है भाई, ये देखो। सो गाइस जो आप ये व्यू देख रहे हैं ये है शिवकुंड, और ये सामने त्रिशूल मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है, जहाँ पे भगवान शंकर का छड़ियाँ वगैरह रखी है और वहाँ पे आरती वगैरह होती है। देखो लोग कोई नहा रहे हैं, ये बाबा जी एक जो बीच में गए, इतने ठंडे पानी में चारों तरफ बर्फ है। तो ये यहाँ का व्यू है अभी। ये भाई लोग बैठे हैं ऊपर टेंट में, बाकी आपको अब वो दिखाते हैं गौरीकुंड। ये देख सकते हैं गाइस इधर पे, यहां से दिखेगा आप गौरीकुंड, और यहां पे देखो शिवलिंग बना रहा। जय भोलेनाथ। क्या है भाई बढ़िया, जय बोले। कैसा है भाई एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया लग रहा, बोले फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। है मस्त हो रहा है। ये शिवलिंग आप ही ने बनाया? हमने बनाया। आता हूँ भाई, आता हूँ, रुक जा थोड़ी देर। ये देख सकते हैं गाइस आप इधर, ये देखो कितनी बर्फ पड़ी है। सामने वॉशरूम बने हैं यहाँ पे जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और इधर तो भाई डर ही लग रहा है जाने में। ये देख सकते हैं आप, ये देखो जूता मेरा पूरा ही जा रहा है। और ये सामने है गौरीकुंड, जय भोलेनाथ। ये देखो इधर क्या, इधर भी वॉशरूम बने। ये देख सकते हैं गाइस आप, ये है गौरीकुंड जो आप देख रहे होंगे नीचे, और नीचे इससे गौरीकुंड के नीचे कोई बर्फ नहीं है भाई, यहीं तक बर्फ पड़ी है गौरीकुंड में। ये है गौरीकुंड जो आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये आफ्टर स्नोफॉल का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, सारा बर्फ के बाद का व्यू। पहले मैंने आपको इनके बारे में सारी चीजें बता रखी है पहले ब्लॉग में भी, अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो वो भी देख लेना। बाकी ये देख सकते हैं आप, ये सामने है कैलाश पर्वत जो आप देख रहे होंगे। कैलाश पर्वत अभी पूरा क्लियर दिख रहा है, देखो ये हटाई जा रही है भाई बर्फ, ये देखो इतनी बर्फ हटा ली यहाँ से। देखो सिलेंडर के ऊपर ये भंडारा है सामने जो आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। सुबह जी ये भंडारा है, और यहाँ पे देख सकते हैं शिवलिंग बर्फ के बने हुए हैं, बनाए हुए भाई लोगों ने, देख सकते हैं तीनों भंडारे साथ में ही है भाई। अब मैं आपको शिवकुंड में लेके जाता हूँ।
ये व्यू एक बारी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बट बर्फ के बाद दिखाता हूँ आपको कैसा व्यू है। देखो भाई, जय बूढ़े पापा। ये है डल लेक, इधर पे देखो पूरा पाला, इस वाले पानी को तो ये तो पूरा पाला हो रखा है। ये वाला पानी शिवकुंड डल लेक बात एक ही है, इसका नाम शिवकुंड भी है, इसको डल लेक भी बोलते हैं। देखो इधर वाला पानी तो पूरा बर्फ हो रखा है, इधर वाला, इधर इधर थोड़ा जिधर जिधर ये बर्फ टिकी हुई, बाकी उधर वाला बीच वाला भी अभी तक वो भी ऐसी पाला बन रखा था, बट अभी पानी हो गया है। देखो अब मैं सामने जाता हूँ जहाँ पे दर्शन होते हैं। जय बूढ़े बाबा। भजन कीर्तन इधर पे भाई लोग नहा रहे हैं, कोई देख सकते हैं। अभी तो बहुत रस हो गया क्योंकि अभी तक बर्फबारी थी। इधर को कोई नहा रहा है भाई जो नहा सकता है इतने ठंडे पानी से, बाकी कोई मुंह हाथ धुल के काम चला रहा है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, टेम्परेचर माइनस में अभी। और ये प्रॉपर धाम यहाँ का देख सकते हैं, त्रिशूल लगी है महादेव की। एक त्रिशूल ये लगी इधर, अभी तो धूप लगी भाई, थोड़ा धूप का सहारा मिल रहा है। यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं देख सकते हैं आप। उधर स्नान घर है, मतलब वहाँ पे स्नान कर रहे हैं लोग, स्नान घाट है और यहाँ पे दर्शन है। सो गाइस, ये है मणि महेश में जो कि भंडारे लगे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये पठानकोट वालों के भंडारे हैं भाई, ये सामने और एक भंडारा इधर पे ऊपर, ये भी पठानकोट वालों का है और ये इधर पे भी, ये सारे पठानकोट वालों के हैं भाई। और इनको यहाँ पे 24 साल हो गया, 24वां लिखा हुआ देख सकते हैं। ये भाई लोग यहाँ पे सेवादार हो भाई आप ना, सेवादार हो ना, पठानकोट से, भंडारा पठानकोट से ना, सारे देख सकते हैं। अच्छा ये चाहिए, बोलो बोलो बोलो। अच्छा और ये मटर, बिल्कुल
आप जाते हैं भैया, मैं अभी आगे आपको, ये यहाँ पे इनके ये चाय बन रही है भाई, ये सारा भंडारे का काम चल रहा है भाई। ये मेरे सेवक हैं। अच्छा, ये भाई भी यहीं के भंडारे से हुए ना। आपका नाम भाई? मेरा नाम संजीव कुमार। संजीव कुमार, आप पठानकोट से? आपका? मेरा नाम पिद्दी। अच्छा, पिद्दी भाई। मेरा नाम सुजीत कुमार। सारे सेवादार हैं, ये देख सकते हैं भाई, बाहर बर्फ पड़ी है और ये लोग यहाँ पे है जी भाई। साहिल कुमार, बाहर देख सकते हैं, बाहर बर्फ पड़ी है और ये लोग इतनी सेवा कर रहे हैं लोगों की। पटेलाड़ी। अच्छा अच्छा, इधर पे बन रहा है सारा। आपका जी, आपका नाम? मेरा नाम है जी काका सरपंच। अच्छा, सरपंच साहब जी, पठानकोट के। अब मैं आपको, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब मैं लेके जाता हूँ। व्यू आप देख सकते हैं, पूरा बर्फ ही बर्फ है, ये देखो ये सारा इनका। तो यहाँ पे एक बाबा जी से मैं आपको मिलवाता हूँ। बाबा जी, हर हर महादेव। महादेव, कहाँ से हो आप? मैं पठानकोट। अच्छा, पठानकोट। और ये भंडारा आप ही का चल रहा है इधर? मेरा नहीं, ये भोलेनाथ का। हाँ हाँ, बोले तो मतलब पठानकोट वालों का ये ना ये भंडारा। भंडारे में, इस भंडारे में पूरे ऑल ओवर इंडिया से। अच्छा अच्छा, ऑल ओवर इंडिया से इसमें लोग जुड़े हुए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम इनके सब लोग इसमें दान देते हैं। ये मेरा भंडारा नहीं है, मैं नहीं, सेवादार आप लोग हैं ना सारे, कुछ लोग वहाँ पे मैंने दिखा। ये सब सेवादार। अच्छा अच्छा, जय बोड़ेगी। हाँ जी, आगे की तरफ वो वहाँ पर साइकिल बाबा बैठे हुए हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग करते हैं साइकिल पे। अच्छा, ये बाबा जी? हाँ, ये अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंग कर चुके हैं या कर रहे हैं? बाबा हर साल करते हैं। अच्छा, हर साल। आप आगे जाके इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ बाबा जी आपका? क्या नाम हुआ आपका? अमरनाथ जी। अमरनाथ जी, अच्छा अच्छा, आपने 12 ज्योतिर्लिंग कर रखा, क्योंकि मैं भी भारत यात्रा कर रहा हूँ ना, मैंने भी मतलब ऑलमोस्ट 3 स्टेट पूरे कवर कर लिए, तो आपने पूरे 12 ज्योतिर्लिंग पूरे कर लिए कंप्लीट। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू सर। बाकी ये सारे सेवादार बैठे हैं भाई, जो कि यहाँ पे सेवा कर रहे हैं लोगों की। बाहर देख सकते हैं इतनी बर्फबारी में, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी बर्फ गल गई है, इन लोगों ने बेलचा से हटाया ये बर्फ। ये सिलेंडर के ऊपर भी इनके सारे बर्फ पड़े हुए थे, इतने ऐसी बर्फबारी में लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो अगर आप आते हो तो यहाँ पे दान पुण्य भी कर सकते हैं भाई, लोगों की हेल्प कर रहे हैं लोग इतना। और यहाँ के बारे में कुछ, आपको इतना टाइम हो गया सर, क्योंकि मैंने लिखा हुआ देखा वहाँ पे 24वां विशाल भंडारा, यानी 24 साल हो गए। 24 साल से हमारे ये प्रयास है। हाँ जी, हम इस भंडारे के साथ साथ निःशुल्क सुविधा भी करते हैं। अच्छा, और लोगों को रात्रि विश्राम के लिए, अच्छा अच्छा, वो भी प्रावधान करने की हमारी प्रयास रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, हम ये काम करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं आप? ये सब निःशुल्क होता है। अच्छा, और इस निःशुल्क के लिए हम लोगों से, जब बाबा की यात्रा शुरू होती है तो लोगों से हम अपनी झोली फैला के पैसे मांग लेते हैं, दान मांगते हैं सर, अन्न के साथ अन्न, धन के साथ धन, और तन के साथ तन। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब लोग जो है इन सभी तीनों चीजों के साथ यहाँ पर सेवा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको 24 साल ये भंडारा लगाते हुए हो गए, और आप भी 24 साल लगातार आते हो यहाँ पे? मैं नहीं, भंडारा नहीं नहीं, बोले तो मतलब आप और आपके जो ये सारे कार्यकर्ता, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये लोग बैठे हैं जो, और कुछ अंदर है, ये सारे पठानकोट से हैं ना आप लोग? ये सब लोग ऑल ओवर इंडिया से हैं। बाबा जी कहाँ से हैं? ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर रोहित हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्कार सर। ये शुभम जी हैं। अच्छा अच्छा, बीटेक हैं ये। अच्छा अच्छा, ये भाई बीटेक हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हमारे एडवोकेट दिनेश शर्मा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये भी हिमाचल से हैं। अच्छा, ये संजीव जी हैं हमारे, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रधान जी हैं हमारे ये। अच्छा, ये इधर जो ये चश्मा लगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये प्रधान जी है, सब इनकी कृपा से हो रहा। बाबा अमरदास जो है, ये 12 ज्योतिर्लिंग एक बार नहीं गया, ये हर वर्ष। हाँ जी हाँ जी, हर वर्ष साइकिल पे ही 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करते। अच्छा, साइकिल से। हाँ, और ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, इनका आशीर्वाद हमें मिला हुआ है। एब्सोल्युटली। बाकी यहाँ के बारे में बताओगे आप कुछ, मतलब आपको इतना टाइम हो गया? बाबा के बारे में मैं क्या बताऊंगा, बाबा के बारे में जितना भी व्याख्यान किया जाए वो बहुत ही कम है। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो बाबा मनी महेश हैं, हाँ जी हाँ जी, मन ही महेश है। एब्सोल्युटली। अगर जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति यहाँ पर आता है उसका अगर मन पवित्र नहीं है तो उसको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर उसको कोई औचित्य नहीं बनता यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसके मन में भावना है तो बाबा जो है वो हर पल
अलग अलग तरह के दर्शन देते हैं, एक कोई विशेष दर्शन नहीं होते यहाँ पे, कोई कहे कि कोई विशेष दर्शन। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हाँ जी हाँ जी, आप जैसे भारत यात्रा के लिए निकले हुए हैं, बिल्कुल सर, तो आपने कई तीर्थ स्थल देखे होंगे, एब्सोल्युटली, कई मंदिर देखे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, हाँ जी हाँ जी, मैं जितने भी मंदिर गया हूँ या जहाँ कहीं पे भी किसी तीर्थ स्थल पे गया हूँ, हाँ जी हाँ जी, तो वहाँ पर कोई ना कोई दरवाजा होता है, बिल्कुल हाँ जी, एक पंडित होता है, एब्सोल्युटली। यहाँ पर जो ये स्थल है, हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर कोई दरवाजा नहीं है, बाबा अपनी मर्जी से दर्शन देते हैं। शायद आपने भी देखा हो, बिल्कुल सर, कि कुछ पल में बाबा दर्शन कभी श्वेतांबर के रूप में देते हैं, जो दर्शन अभी नहीं हुए थे पिछले 5-7 दिन से, हाँ जी, अभी थोड़ी देर में बाबा ने श्वेतांबरी दर्शन दे दिया, पूरा का पूरा श्वेत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, ये मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाबा चाहे, हाँ जी हाँ जी, अगर बाबा चाहें, हाँ जी, तो इस स्थल की जो विशेषता है कि बाबा चाहें तो व्यक्ति को यहाँ पर झुकने देंगे, नहीं तो जैसे आप बोल रहे हैं कि बारिश आ जाएगी, हाँ जी, ऐसा हो जाएगा, हाँ जी, बाबा चाहें तो उस व्यक्ति को, चाहे वो भरमौर हो, चाहे हरसर हो, चाहे धनशो हो, बिल्कुल, चाहे गौरीकुंड हो, चाहे बाबा मणिमहेश का गौरीकुंड से ऊपर का ये कुंड का स्थान ही क्यों ना हो, हाँ जी, आधे रास्ते से ही उसको वापस भेज देंगे। ये बाबा की इच्छा है, बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप जैसे महानुभावों की सेवा कर रहे हैं, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा मोटिव, हाँ जी, जो भी तीर्थ यात्री यहाँ पर आता है उसकी सेवा, बिल्कुल, उसके अलावा कुछ नहीं, बिल्कुल, यहाँ पर कोई दरवाजा नहीं है, किसी विशेष पंडित की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, हाँ, एक पूजा स्थल जरूर बना हुआ है जहाँ पर लोग माथा टेकते हैं, हाँ जी, बाबा अपने आप ही दर्शन देंगे, वो जब चाहेंगे दर्शन देंगे, हाँ जी, नहीं चाहेंगे तो दर्शन नहीं देंगे, बिल्कुल, ना किसी पुजारी की जरूरत है, हाँ जी हाँ जी, ना किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है यहाँ पर, एब्सोल्युटली, सब लोग नीचे से लेके ऊपर तक सब बाबा के लिए एक है, बिल्कुल, इसलिए बाबा मणिमहेश मेरे लिए विशेष है, बिल्कुल, आपके लिए नहीं सभी के लिए, हमारे लिए भी, मैं भी फर्स्ट बार आया है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं तो लोगों से यही बोलना चाह रहा हूँ कि जितना हो सकता है उतना ज्यादा आइए यहाँ पे, ये स्थल क्या ही बोलूं मैं इस स्थल को, जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता, बिल्कुल, लोग क्या कहते हैं, कैसे बोलते हैं कि कोई कहाँ पे कैसे आया, यहाँ पर जोत निकलती है, मणि निकलती है, निकलती, हाँ जी, है। रात में देखिए आपकी भावना है, हाँ जी हाँ जी, आप जिस भावना से बैठेंगे आपको उसी भावना से बाबा दर्शन, बिल्कुल सर, और विशेषकर जैसे ये जन्माष्टमी है, हाँ जी हाँ जी, राधाअष्टमी है, हाँ जी हाँ जी, तो इन दिनों में यहाँ पर 30 करोड़ देवी देवता यहाँ पर आकर बाबा के यहाँ पे आके प्रणाम करते हैं, बिल्कुल, देखने वाली आंख चाहिए, मन चाहिए, आस्था चाहिए अपनी, बिल्कुल, अगर होगी सही बात, तो दिखाई भी देगा, बिल्कुल सर, अगर नहीं होगी तो जय बोलेना, बिल्कुल, बाकी थैंक यू सो मच सर, आपने अपना एक्सपीरियंस, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर ना नो थैंक यू नो वेलकम, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, दोबारा थैंक यू नहीं होगा, ओके सर, भोले बीबर जगे, भोले बीबर जगे, भोले बम बम, 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 भोले, चलो जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ की। डेड बॉडी है यहाँ पे, इनकी डेथ हो गई भाई। तो गाइस ये देख सकते हैं भाई बाबा जी को, आप कैसे यात्रा कर रहे हैं, देखो सैल्यूट सैल्यूट है आपको। कब से चले हो आप, कब से चले हो,
चार रात होगी मेरे तो, पर मैं तो चौथ में तीन रात में पहुंचता हूँ, चौथी रात। चौथी रात है आपकी? चार रात चार दिन हो गए चलते चलते। चार रात चार मतलब हाँ बीच में रुके होंगे आप कहीं। अच्छा अच्छा, तीन रात में पहुंच जाते थे और टाइम। हर बार आते हो क्या? कितने बार आ चुके हो? नीचे देख लेना जितनी बार डर लगा। अच्छा कौन सा वाला बाबा? नालागढ़ वाला। अच्छा नालागढ़ वाला। देखो भाई आस्था है लोगों की, सैल्यूट है सर आपको। चलो चलो, जय भारत जय भारत जय बोलेगी हर हर महादेव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, बिल्कुल 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 सही बात है। वाह लो बाबा, क्या करूंगा मैं स्टेज में डाल। वो कहाँ से आप ऐसे बाबा जी? भाई भारत का चेहरा हो तेरा, मैं बोला तू नक्शा देख ले अगर तू फौज का तो। अच्छा चलो 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 बढ़िया, मैं भारत के चेहरे का बच्चा हूँ। ओके ओके, अब देख ले भारत का चेहरा कहाँ पे है, नक्शा देखता हूँ जा जम्मू का यही होगा जम्मू का। तो गाइस जो बाबा जी मेरे को ऊपर मिले थे वो नालागढ़ वाले भंडारे की बात कर रहे थे, और इस भंडारे को भाई 14वां भंडारा है इनका, यानी 14 साल हो गए उनको रेगुलर, और वो भारत के चेहरे की बात कर रहे थे, यानी जम्मू कश्मीर से थे वो, तो इस भंडारे की बात कर रहे थे। ये देख सकते हैं भाई ये भंडारा लगा हुआ है यहाँ पे। सो गाइस फाइनली मैं नहा के उसके बाद मैंने दर्शन भी कर लिए, यहाँ नहाया था भाई मैं पीछे, जहाँ पे भाई लोग नहा रहे हैं पीछे देख पा रहे होंगे, पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, माइनस में टेम्परेचर है, देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है, और जो ये पानी है देख सकते हैं इधर पे अभी भी पाला पड़ा हुआ है साइड साइड पे, देखो पानी की ऐसे जैसे पटरी टाइप की नहीं बन जाती वैसे हो रखा था पाले की वजह से, और बीच में बर्फ टाइप की भी साइड साइड में जमी हुई थी उसमें। तो मैंने दर्शन भी कर लिए, दर्शन यहीं पे पीछे बैक साइड में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे महादेव की छड़ियाँ हैं भाई काफ़ी, और यहीं पे त्रिशूल वगैरह लगे हैं और स्टैचूज बने हैं, आगे नंदी महाराज भी है, शिवलिंग भी बना हुआ है, तो मैंने यहीं पे दर्शन कर लिए हैं। बाकी आप देख सकते हैं दोबारा से मौसम बन रहा है भाई बारिश का, अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, और जो बर्फ़ है वो 10 बजे रुकी थी यहाँ पे, 10 बजे रुकी थी, उसके बाद 10:30-11 बजे तक धूप लगी, उसके बाद दोबारा से मौसम बन रहा है देख सकते हैं आप। तो यहाँ से जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो बोल रहे हैं भाई कि यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी निकल जाओ, क्योंकि रास्ता बंद हो जाएगा और यहाँ पे नेटवर्क वगैरह कुछ भी काम नहीं करता भाई, तो फ़ोन भी हमारे और अभी लाइट भी नहीं है यहाँ पे, तो फ़ोन भी हमारे अभी डेड होने वाले हैं, और दूसरी बात कि नेटवर्क भी नहीं है, तो यहाँ से निकलना है भाई अब नीचे के लिए। तो जो आज का ये ब्लॉग है वो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, सो होप करता हूँ कि आपको मणि महेश का ये मेरी पूरी जर्नी ये पूरा ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए बाय। और ये ब्लॉग सभी महादेव के भक्तों को जरूर जाना चाहिए, जरूर शेयर करना।